तो लॉग एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ आपका, यहां पे आपका 3 है, ठीक है, यहां पे 3 176 इनटू यहां पे आपका 4 2161, ठीक है, डिवाइड में 215 के पावर में 4 इंटू 0.98 के पावर में 5। क्लियर, इतना सही है, चलो ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग माना, इंग्लिश में लेट y इज इक्वल टू, उसको ब्रैकेट में तोड़ देते हैं हम लोग उसको, ठीक है, 176 के पावर में 1/3, ये जो 3 है इधर आ गया, इनटू 2161 के पावर में 1/4, 215 के पावर में 4 इनटू 0.98 के पावर में 5, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो माना की जगह में लॉग y इज इक्वल टू, ठीक है, यहां लॉग लगा के, लॉग लिखकर इसको पूरा सा बड़े से ब्रैकेट में ये पूरा अंदर में फिट कर देंगे, कंप्लीट। अब अंदर लॉग लगाते हैं, लॉग y इज इक्वल टू, अंदर लॉग लाइन क्या देगा, 1/3 लॉग 176, ठीक है, इनटू है तो प्लस 1/4 लॉग 2161, या इनटू रहे पर ले सकते हो, डिवाइडर पर ले सकते हो, जैसे इच्छा, पहले इसको ले ले, चलो पहले डिवाइड कर लेते, पहले इसको सॉल्व, ठीक है, डिवाइड में तो माइनस 4 लॉग 215, फिर इनटू है तो प्लस 5 साइन में 5 लॉग 0.98, क्लियर, इतना, चलो ठीक है, लॉग निकालते जाते हम लोग, ठीक है, आप निकालो इसका जोड़ के बताना, और आप निकालो इसका, ठीक है, अब इसका बताओ और आप दोनों इसका बताओ, ठीक है, चलो जल्दी बताओ पहले आप, चलिए ठीक है, ये 1/3 हो गया हमारा, इसका देखिए, देखो यहाँ पे 1, 2, 3 संख्या है, 3 संख्या तो एक कम करके 2, ठीक है, 17 का 6 देखे तो 2, 4, 5, ये हमारा लॉग टेबल आ गया, ठीक है, इसका प्लस 1/4 का 1/4, 1, 2, 3, 4 डिजिट है, 4 से कम करके 3, 21 का 6 कितना आया, 3, 3, 4, 7 माइनस 4, 1, 2, 3 डिजिट है तो एक कम करेंगे तो 2, 21 का 5 कितना आया, 3, 3, 2, 4, ठीक है, फिर प्लस 5, अब यहाँ बार के पहले 0 लगा तो क्या रहेगा, बार 1, 98 का 0 कितना आया, 9912, ठीक है, log y इज इक्वल टू, उसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है, चलो बताता हूँ कैसे होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बार को जब तोड़ते हैं तो माइनस 1 प्लस 0.9912, माइनस वाले को अलग तोड़ दिए, प्लस वाले को अलग तोड़ दिए, ठीक है, चलो इसका बताओ पहले आपको कितना आया, 0.7485 और 10 ना, चलो उसको डिवाइड करिए तो 0.8336 75, चलो ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
9.3296 ये यार, ठीक है। अब कैलकुलेटर में क्या करो, ये दोनों को आप लोग ऐड करो, ये दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो आप लोग इसको। प्लस फाइव है तो प्लस फाइव, इसमें से मैं इसको कैलकुलेटर प्लस वाले इसको लूंगा, इसमें से एक को घटाऊंगा तो आएगा जीरो, माइनस में आएगा आंसर हमारा माइनस 0.0088 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो अब ये माइनस प्लस माइनस। चलो ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि ये दोनों को हम लोग जोड़े हैं और इसको घटाए तो हमारा आंसर किस हमारा माइनस 7.74725, ठीक है, 5 फिर ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये था माइनस माइनस 7.747425 प्लस माइनस माइनस 0.044। अब इसको दोनों ऐड कर दो, दोनों माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा, देखो बेटा लॉग वाई बोल रहे सही है ये मल्टीप्लाई। चलो ऐड करते हैं हम लोग, 0.044 है ना, तो 0.044 यहाँ ऐड हो जाएगा बस। कितना बताओ तो आप लोग, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस वाला ऐड हो जाएगा 7. कितना बताओ जल्दी से, 7.91425। तो हमारा इतना आया ना, ये दोनों को ऐड कर दिया कि दोनों माइनस वाला ऐड हो गया, अभी हमारा इतना आया है। अब हम लोग इसका एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, तो इसको पहले हम लोग बार में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, माइनस सेवन अलग, अब माइनस 0.791425 अलग कर दिए, बीच में क्या लगाते हैं माइनस वन प्लस वन लगा दिए, माइनस सेवन अलग ये अलग कर दिए, बीच में माइनस वन प्लस वन लगा दिया, यहां लिखेंगे टेकिंग माइनस वन प्लस वन, ये मेरे लॉग वाई, log y इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस वन हो जाता है माइनस एट, प्लस इस वन में से इसको माइनस कर दो, कैलकुलेटर में वन लो और वन में से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है 0.20, एक मिनट फिर से बताओ 0.20857, ठीक है। अभी इधर वाला माइनस है, दशमलव बाद और प्लस में क्या आता है बार 8.20875, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया लॉग वाई इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है, मोबाइल को मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। तो आप लोग इधर देखिए बेटा, इधर ये वाई, यहां से लॉग हटा यहाँ पे एंटी लॉग, ठीक है, आपको देखा दशमलव बीस का 8 मिनट डिफरेंस, 5 देख लो या 6 देख लो चलेगा, बार 8.208575 y इज इक्वल टू, पहले देखते हैं 12 8 है ना, 12 8 है तो 8 और 0 इधर दशमलव पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 का 8 मिनट से 5 देखेंगे तो 1616 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आंसर, वो दशमलव एक आध लास्ट में चलता है, ठीक है, 2-3 चल जाते हैं, एक ही का फर्क है, ये हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है, ओके।